हाँ ठीक ठीक अच्छा ये एक ये कोई गांव आ गया यहाँ का। अभी देखिए कच्चे मकान ही हैं। भाई यार बहुत जिंदगी में बहुत स्ट्रगल है भाई। ये है मध्य प्रदेश का एक घर। क्या है खाने वाने की चीजें क्या है आपके पास? सब कुछ है वही हमारे लायक कुछ मिल जाए खाने वाने का। क्या है बताइए क्या खिलाएंगे हमें इसमें से? अच्छा अच्छा अरे घर में कुछ नहीं खाना ना बनाए हैं खिला दीजिए सर खाना तो अभी नहीं बना कि पैसा पैसा आपको दे दिया जाए भाई क्या दिक्कत है? सास की माध्यमिक शाला पटनी। तो बच्चे वगैरह आपके क्या करते हैं? बच्चे सर मेरा एक बाहर है। अच्छा क्या करता है बच्चा? बाहर चला गया है कैसे काम में और आज ही चला गया है अपने बहन के। अच्छा अच्छा पढ़ते लिखते हैं? दसवीं पढ़ा है कि नौवीं पढ़ा है? दसवीं और नौवीं। अच्छा अच्छा उनको पढ़ाइए भाई बच्चों को। हाँ बड़ा स्ट्रगल है जिंदगी में मैं देख रहा हूँ ना। जब तक आप बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं तब तक आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं है ना। मैं यही सब देखने के लिए निकला हूँ मध्य प्रदेश को पूरा भ्रमण कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि बच्चे भी पढ़ने लिखने में कम रुचि ले रहे हैं जबकि थोड़ा सा बच्चों को देखिए बच्चे तो रुचि वैसे भी नहीं लेंगे पढ़ने लिखने का ना। जब तक आप बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे मेहनत करके मजदूरी करके जैसे भी देखिए आपका समय निकल गया है बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाइए। मैं एक टीचर हूँ मैं एक शिक्षक हूँ इस नाते मैं आपको मतलब कह सकता हूँ। सभी लॉकडाउन में तो सभी वो तो लॉकडाउन चली अलग बात है लेकिन बहुत ज़रूरी है पढ़ना लिखना आगे बढ़ना और बच्चों को आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसमें कुछ बढ़िया चीज़ हो खिला दीजिए हम भी खा लें। हम आए हैं यूपी से। क्या दे दें सर लड्डू देने क्या दे दें? जो बढ़िया हो खाने में लड्डू ही खिला दीजिए। सब है हमारे पास सारा सामान है इसमें कहीं इच्छा हो रही है कुछ बना खा ले मतलब बनाने खाने का भी इंतजाम इसमें है लेकिन अब उसके लिए सब निकालना पड़ेगा पूरा सामान वगैरह। नहीं तो खाना बनवा दिए सारे का टाइम हो गया टाइम लगेगा नहीं इतना समय नहीं है। अभी खजुराहो जाना है थोड़ा वहाँ जोड़ना है उसके बाद कहेंगे कि पी लीजिएगा। ठीक इधर आओ बच्चा इधर आओ तुम। और नाइन्थ में कौन था ये लड़का?
नहीं धो सकते हैं? स्कूल जाते हो? बंद है अभी, नहीं खुला। तो हमारे साथ हैं राजकुमार जी, और हम हैं मध्य प्रदेश के एक इंटीरियर गांव में। गांव का नाम क्या है? ये पटना खुर्द है सर। पटना खुर्द में है। और भाई साहब का गांव बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। घर इन्होंने इतना अच्छा एकदम साफ़ सुथरा बनाया हुआ है, तो आइए थोड़ा सा देखते हैं। ये देखिए कितना अच्छा इन्होंने सजाया हुआ है बिल्कुल। ये अच्छा, ये मिट्टी अलग आती है क्या, सफ़ेद वाली? हाँ सर, ये लाई जाती मिट्टी उधर से। अच्छा, ऐसी ही होती है मिट्टी? नहीं, पुताई के लिए। आपने चूना उना मिलाया इसमें कुछ? अच्छा अच्छा, और ये गोबर से लिपाई है? जी हाँ। गाय का गोबर की भैंस का? गाय का है। अच्छा, गाय का सबसे शुद्ध माना जाता है, और घर आपने लिप दिया है, बढ़िया। मतलब देखे कितना साफ़ सुथरा, इतना साफ़ सुथरा तो मतलब नहीं दिखेगा और जगह ना, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है हमें देख के। चलिए अच्छा, ठीक लगा, तो हम निकलते हैं क्योंकि हमें भी लेट होगा। तो खाना कितने बजे बनता है आपके यहाँ? खाना सर तो अभी एक घंटे बाद बन जाएगा। अच्छा, एक घंटे बाद बनेगा। कौन बनाता है? औरत बनाएंगे। अच्छा, जंगल जंगल जलेबी जंगल में होती है। अच्छा अच्छा, किस काम में आता है? इसको बच्चे लोग खाते हैं। अच्छा, इसमें जो फल लगता है होती है। कब आता है? किस में? सीजन में आ जाता है, गर्मी के सीजन में। ये लगा है कैमरा, ये चलता रहता है। हाँ, सब लगा हुआ। ये लगा है इसका माइक, जो आवाज रिकॉर्ड होती है। ये इससे चार्ज होता है, इसमें बैटरी चाहिए ना चार्ज होने के लिए। तो अब जैसे दिन भर मान लीजिए चलना है 4 घंटे 5 घंटे, तो इसको पावर कहाँ से मिलेगी? पावर के लिए हमने यहाँ पे एक रखा पावर बैंक यहाँ पे। तो इसको, इस वायर को इससे हम जोड़ देते हैं, फिर ये चार्ज होता रहता है, दिन भर चलता रहता है साथ साथ में। बड़ा स्ट्रगल है। शरीफे का पेड़ है ये वाला, तो पहचान रहा हूँ ना, लेकिन सूख रहा है पता नहीं क्यों अभी। अच्छा, फल, अरे लगा है फल, ऊपर दिख रहा है एक। इसी में ऊपर एक दिख रहा है फल। चलिए ठीक है, चलते हैं भाई साहब। तो यहाँ पहाड़ी खेड़ा आगे आएगा? हाँ, पहाड़ी खेड़ा आगे है। कोई बड़ी मार्केट है? अच्छा अच्छा, बीच में कोई मार्केट पड़ेगी कि ऐसे ही है? मार्केट तो सर नहीं पड़ेगी। अच्छा, गांव पड़ेंगे ऐसे जैसे है। गांव तो काफी है, रोड है। अच्छा अच्छा अच्छा, स्वाद भी अलग है। मीठा मीठा लग रहा है, मूली बढ़िया लग रहा है। इसमें कुछ खट्टी चीज डालते हैं जो बहुत खट्टा है चटनी ने? नहीं, खट्टी रहती है आमे की है ना। ये खट्टे में क्या आम डालते हैं? हाँ। आम जब करिया है, जुड़वा के जब आम हरा फटता है। अच्छा, आम करिया मतलब उसको सुखा देते हैं? सुखा देते, इसीलिए खट्टी है, बाटी गई खट्टी है।
खट्टी तो रहेगी आम। बाकी लहसुन वसुन डालते होंगे प्याज और सब? लहसुन है, प्याज है, अदरक है, हरी धनिया है, ये सब पड़ता है इसमें। अच्छा अच्छा, एक समोसा और लाओ। जनसंख्या तो है एमपी में, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यह है कि दूर दूर है, गांव दूर है, क्षेत्रफल ज़्यादा है। हमारे यहाँ क्या है, हर दुकान पे ऐसे जो दुकान होती है वहाँ पे हर दुकान पे चना जरूर मिलेगा। चना को भिगो देते हैं लोग तेल में, तल करके थोड़ा लहसुन प्याज के साथ डाल के चना रखते हैं, चना खाते हैं लोग। सुबह चना और चाय का नाश्ता होता है, लेकिन यहाँ माला बहुत कम है, चना यहाँ होता है इसलिए लोग नहीं खाते होंगे, क्योंकि जो चीज़ जहाँ ज्यादा होती है ना वहाँ लोग नहीं खाते। खेत नहीं तो बिरावर टाइप हरियर उसको चावेंगे। अभी खेत में कुछ खाने वाली चीजें मिलेंगी? हाँ, अगर साहब कुछ यहाँ पे मान ला चना बस भात दिन भर है। अच्छा, हाँ ये दूध घर का है? हाँ, घर का दूध है, भैंसी चार है। अरे नौकरी कहे नहीं साहब, ला गए नौकरी वोकरी हो तो कह में लगवा हमार कन जुगाड़ में, हमारे भाई ना निकल कर पढ़े लिखे सब कुछ है। हाँ बड़े भाई यार पूरी पढ़ाई करे, कौन नौकरी नहीं, आराम फार्म डाल भाई पैसा भी लग गया उसमें, वो नौकरी ये भी नहीं जाते इससे। अभी तो स्कूल बंद है, स्कूल नहीं खुली, स्कूल स्कूल जाते भी हैं तो मास्टर बोलते हैं स्कूल नहीं खुलना इस साल, लौटा देते हैं, गेट ही नहीं खुलता स्कूल का। कौन सी क्लास में? आठवीं। आप कौन सर्विस में? हैं? कौन सी सर्विस में? सर्विस नहीं है, बस ऐसे ही टीचिंग का काम करते हैं और वीडियो भी बना लेते हैं समय मिलता है तो। हाँ हाँ, जा रहे हैं घर से तो ये सब वीडियो शीडियो आते रहेगा, सब वीडियो आता रहेगा, रिकॉर्ड होता रहेगा। अभी शायद चल चल रहा है। हाँ, ये आपका रिकॉर्ड हो रहे हैं। यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ती होगी गर्मी के सीजन में, गर्मी रहती। कितना टेम्परेचर रहता है? 45-50। दोपहर में तो कोई निकलता नहीं होगा बाहर, घर से बाहर जल्दी 10 बजे तक जहाँ जाना है तहाँ चले जाओ, सुबह सुबह आया शाम को 4-5 बजे के बाद, नहीं तो आदमी कहीं नहीं। इस टाइम में अच्छा लग रहा है, गर्मी बहुत, इसलिए मैं भी ठंडी में ही निकला हूँ बाहर। हाँ नहीं, लेकिन ये मकान ये इसमें ठंडा रहता है। हाँ, ये जो कच्चे मकान होते हैं इससे बड़ा ठंडा होता है, पक्का वाला मकान तो आदमी रह ना पाए, पक जाए उसे भागना पड़, इस मकान में ठंडा होता है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। ये जो प्रोजेक्ट का टॉपिक है ये मैक्रो और माइक्रो दोनों में बनाना है? कोई एक, कोई एक, ओनली वन। और सर टॉपिक क्या है इसके? अरे कोई टॉपिक बना डालो, जो टॉपिक दिए हैं उसमें लास्ट में दिए हैं, कोई टॉपिक बना डालो। ओके, मैं हूँ अभी मध्य प्रदेश में पन्ना में सतना जिले के पास में, ओके, जंगली इलाके में घूम रहा हूँ, एडवेंचर कर रहा हूँ। अपना व्यू बताइए। अभी तो 12-15 दिन पूरा मध्य प्रदेश घूमेंगे। अच्छा,
ठीक, ओके ओके बेटा, बना लो एक प्रोजेक्ट, कोई भी बना लो बस। ये क्या है भैया, गेहूं है, धान है, क्या है, बिल्कुल बाहर ही रखा हुआ, बोरे का बोरा सारा। ये है आपका पहाड़ी खेड़ा, और आगे से फिर रास्ता कट जाता है दाहिने। ये खजुराहो गया है ना? अच्छा, 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 85 किलोमीटर है कुल। रास्ता बढ़िया है? एकदम इसी तरह मिलेगा। अच्छा, ये तो मान लो सिंगल है यहाँ पन्ना का। हाँ हाँ, इसी तरह, और उधर से फिर इसी तरह मिलेगा। अच्छा अच्छा, मरला की। हाँ हाँ, निकलेंगे चंदनगर के बाद, मरला चंदनगर सीधे पहुँच जाएंगे आप खजुराहो। खजुराहो राजनगर उसमें जाए, बमीठा से फिर खजुराहो जाएंगे। अच्छा अच्छा, जाएंगे अब बमीठा से फिर दहली जाए, वो किसी से पता कर लेना। अच्छा अच्छा, वहाँ जब अंदर साइड जाएंगे तो वहाँ पूछ, जब बमीठा पहुँचना, हमें खजुराहो पूछना, तो बमीठा से खजुराहो 10 किलोमीटर है। कैसा लैंडस्केप है देखिए, गजब का भाई, पूरा एकदम सब नज़र आ रहा है बहुत दूर दूर तक यहाँ से। ये नदी है, पथरीला इलाका है पूरा, जमीन के अंदर पत्थर ही पत्थर है पूरा।